देसी नुस्खे की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल का आइकन है इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल क्लिक करके सेव कर लेना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मौसूल हो और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे। दोस्तों, आज मैं 3-4 दिन से अपना नंबर वीडियोस में दे रहा हूँ तो मुझे कुछ भाइयों की कॉल्स आई हैं कि वो अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर सकते कि उनकी एक तो चाहे उनकी टाइमिंग भी है तो फिर भी वो अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर सकते। उनकी मतलब बीवियों को पूरी लज्जत नहीं मिल सकती, ना ही वो लज्जत हासिल कर सकती हैं। तो मैंने ये चीज़ पहले देने से इनकार किया था कि ना दूँ, तो काफ़ी सारी कॉल्स के बाद मैंने सोचा यार किसी का घर इस तरह ना उजड़े, ना कोई ऐसा घर में कोई ऐसी लड़ाइयाँ वगैरह तो हर घर में होती हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि बीवी गैर मुतमईन होती है। तो इस वजह से मैं नुस्खा दे रहा हूँ और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं दे रहा हूँ जो आप इसे अपनी शरीक हयात पर इस्तेमाल करना है, किसी और पे नहीं करना, अपनी बीवी पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी बीवी पे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसको लगाने से औरत आपकी ग़ुलाम बन जाएगी। वो कहीं भी किसी भी जिस हाल में होगी वो आपकी ग़ुलाम रहेगी, चाहे आप घर में जितना भी उनसे नासलूकी करें फिर भी वो आपकी तारीफ़ें करेगी, चाहे आप जैसे भी हों। तो ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, ये महंगी भी नहीं है और ये आसान है, आसान चीज़ें हैं जो आपने पंसार से लेनी है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इस चीज़ से डर रहा था कि कुछ मेरे दोस्त भाई कोई ऐसी जगह उनके चक्कर होते हैं, मोहब्बत वगैरह होती है, तो वहाँ ये इस्तेमाल ना करें, सिर्फ अपनी बीवी पे इस्तेमाल करें। आपको मैं वास्ता दे रहा हूँ उस ज़ात का जिसने हमें पैदा किया है। तो मैं डर डर के आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ बहुत काम की है, सिर्फ अपनी शरीक हयात पे इस्तेमाल करें तो देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे खुशोखुर्रम गुजरती है। आपकी बीवी बज़न है, आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, तो अगर मुतमईन नहीं हो रही तो ये चीज़ सिर्फ नफ्स पे लगानी है और इसे इसके बाद आपने जमा करना है 5 या 4 मिनट बाद, तो औरत को इस तरह लज़त तो मुसर्रत हासिल होगी कि वो कमल के फूल की तरह खिल उठेगी। इसकी और ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, ये तो तारीफ़ आप ख़ुद करेंगे इसको इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन करना अपनी औरत पे है, अपनी बीवी पे इस्तेमाल करना है। अगर आपकी बीवी आपसे मुतमईन नहीं है तो ये चीज़ें मैं दी हैं, नंबर मेरा आपके सामने है। अगर आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल 24 घंटे ऑन होता हूँ, तो आप ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा मुझसे। तो ये चीज़ें हैं पारा मुश्क का 4 और इसके बाद सुहागा, ये आपने हम वज़न लेना है, तो जितना भी लेना चाहे इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपने हम वज़न लेना है और इसको इतना पीसना है, कूटना है, खरल करना है कि वो मैदे की तरह बन जाए। उसको जब मैदे की तरह बन जाए तो फिर उसको एक चुटकी उठा के उंगलियों पे, अंगूठे और उंगली के दरमियान मसलें, आपको वहाँ से कचरा महसूस ना हो, बिल्कुल पाउडर बन चुका हो, इस तरह हो। तो इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच या हसबे ज़रूरत, 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं, हसबे ज़रूरत इसमें आपने शहद मिलानी है कि वो क्रीम जैसी बन जाए, बिल्कुल जैसे कि एक फेस पे क्रीम लगाई जाती है इस तरह क्रीम जैसी बन जाए, इतनी मतलब मुलायम हो जाए। तो शहद मैं बार बार कहता हूँ कि आप खालिस लेनी है बाज़ार से या किसी पंसार से या किसी दुकान वाले से नहीं लेनी, अगर लो तो उसे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहो कि मुझे शहद जो दे रहे हैं ये खालिस है,
वैसे आजकल शहद जो बाज़ारों में बिक रही है या पंसार में बिक रही है वो गुड़ का शीरा होता है। जो गुड़ तैयार होने से पहले एक शीरा बनता है, गाढ़ा शीरा बन जाता है, तो उसके बाद गुड़ तैयार होता है, उसमें कोई केमिकल मिलाते हैं तो फिर गुड़ बनता है। वो शीरा आजकल बिक रहा है, वो शहद बिल्कुल सेम शहद है, तो जायका तो और होता है उसका, लेकिन सेम टू सेम शहद की तरह उसकी शक्ल सूरत होती है। तो उसे वो भी बंदा नहीं पहचान सकता जो 24 घंटे मतलब उसका शहद से वास्ता हो। शहद जैसे भी है कि वो अपने शहद की कोई भी उसकी दुकान हो या कुछ हो, एक काफ़ी तजर्बाकार भी उसको पहचान नहीं सकता कि ये शहद है या गुड़ का शीरा है। वो जायके में पता लगता है कि ये शहद है या गुड़ का, वो जायका चखने के बाद। तो आपने खालिस शहद लेनी है, तो इसमें हाथ पे ज़रूरत मिक्स करके आपने नफ्स पे लगाना है। उसके बाद 5-4 मिनट बाद आप जमा करें, तो जमा जब करेंगे तो तब आप उसकी बाद में मुझे तारीफ़ करके कमेंट्स करेंगे या मुझे कॉल करेंगे। मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता कि औरत आपकी पूरी ज़िंदगी ग़ुलाम रहेगी। आप चाहे जिस हाल में होगी, आप उसे नासलूकी करें, बदसलूकी करें, कुछ करें, लेकिन वो आपकी तारीफ़ करेगी। आपकी कभी भी वो किसी किस्म की कोई शिकायत किसी से नहीं करेगी, जिस माहौल में भी आप रखेंगे। लेकिन अपनी बीवी को मैं कह रहा हूँ कि उससे उसे बिल्कुल खुशियाँ दें, अच्छे हाल में रखें, उसे पूरी अपने जितनी भी जिम्मेदारी है उसे दें। तो ये चीज़ जो दे रहा हूँ ये उसको मुतमैन करने के लिए है, इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है कि वो जब ये जमा करेंगे आप बवक्ते जमा, औरत को इस कदर लज़त मिलेगी, इस कदर लज़त मिलेगी कि वो कमल के फूल की तरह खिल उठेगी। ये तो आप मैं बता रहा हूँ ना, ये इतना इसका कोई आम सा नुस्खा है, ये पंसार से आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन शायद खालस नहीं। और उसके बाद आप ख़ुद मुझे तारीफ़ करेंगे कि यार आपने बहुत चीज़ काम की बताई है। ये एक अपनी बीवी को मुतमईन करने का नुस्खा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आ रहा हूँ।